हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, हर इंसान इस दुनिया में दो मकासद के तहत आता है। एक उसका मकसद तख्लीक आखिरत के एतबार से है और एक उसका मकसद तख्लीक दुनिया के एतबार से है। आखिरत के एतबार से हर इंसान बंदगी रब के लिए पैदा किया गया है, जबकि दुनिया के एतबार से हर इंसान का मकसद तख्लीक अलग अलग है। चुनाचे इस दुनिया में इंसान आता है और अपने हिस्से का काम करता है और एक्सपायर होकर इस दुनिया से चला जाता है। इस बात को आप इस मिसाल से समझिए कि जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी हज़ारों पुर्जों का मजमुआ होती है और ये हज़ारों पुर्जे मिलकर एक गाड़ी बनाते हैं। गाड़ी का मकसद अफराद को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है, जबकि उसके जो पुर्जे होते हैं उन पुर्जों में से हर पुर्जे का अलग अलग काम होता है। हर पुर्जा एक अलग मकसद के लिए तख्लीक किया गया होता है। मिसाल के तौर पर स्टेयरिंग का काम दाएं बाएं मोड़ना है, एक्सीलेटर का काम गाड़ी को स्पीड देना है, ब्रेक का काम गाड़ी को रोकना है, इसी तरह गियर का अपना काम है और क्लच का अपना काम है, डिग्गी और बोनट का अपना काम है, गाड़ी के अंदर लगी हुई बैटरी और लाइटों का अपना काम है, शीशे का अपना काम है, दरवाजे और उसमें लगे हुए लॉक का अपना काम है, अलगरज उसके अंदर छोटा सा जो एक पेच लगा होता है उसका भी एक अपना काम होता है। हर पुर्जा अपने अपने काम के लिए बनाया गया होता है, जबकि मजमूई लिहाज से ये तमाम पुर्जे और पूरी की पूरी गाड़ी अफराद और सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए तख्लीक की गई होती है। बिल्कुल इसी एतबार से इस दुनिया में जो इंसान आते हैं, मजमूई लिहाज से तमाम इंसानों का मकसद तख्लीक बंदगी रब है, लेकिन इनफरादी लिहाज से हर इंसान एक अलग काम के लिए इस दुनिया में पैदा किया गया है। अल्लाह ताला का ये पूरा कारखाना कुदरत, उसके पुर्जे जो हैं वो इंसान भी हैं और बाकी मखलूकात भी। चुनाचे कुत्ता अपना काम करता है, बिल्ली अपना काम करती है, सांप और बिच्छू अपना काम करते हैं, मक्खी और मच्छर अपना काम करते हैं। इसी तरह इंसान भी इस दुनिया में आते हैं, किसी को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, किसी को अल्लाह ने लिखने की सलाहियत दी है, किसी को अल्लाह ने कोई और हुनर दिया है, और इंसान इस दुनिया में आकर अल्लाह की इस कारखाना कुदरत के पुर्जे के तौर पर अपने हिस्से का काम करके चला जाता है। मजमूई लिहाज से जो इंसानों का मकसद तख्लीक है, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून इस आयत के अंदर बयान किया है कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, लेकिन इनफरादी लिहाज से हर इंसान का इस कारखाना कुदरत में जो फंक्शन है, यानी जो वो पुर्जा है जिस काम के लिए वो बनाया गया है, वो नहीं बताया गया, उसको इंसान पर छोड़ दिया गया है कि इंसान उसे खुद तलाश करे कि वो किस काम के लिए इस दुनिया में आया। चुनाचे अल्लामा इकबाल मरहूम, वो उनका जो फ़लसफा खुदी है उसमें वो यही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को पहचानें, हम अपनी खोज लगाएं कि मैं कौन हूँ और किस लिए इस दुनिया में आया हूँ। नाज़रीन, 18वीं सदी में बरतानिया के हिंदुस्तान पर तसल्लुत कायम करने में जिन लोगों का नाम सर फहरिस्त आता है उनमें एक रॉबर्ट भी है, लॉर्ड रॉबर्ट। रॉबर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मामूली सा क्लर्क था और उसकी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, जिससे उसका गुजारा नहीं होता था। रॉबर्ट अपनी इस कम तनख्वाह की वजह से हर वक्त डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन का शिकार था, जिसकी वजह से हर वक्त उसके अपने अफसरों के साथ और अपने दोस्तों के साथ झगड़े लगे रहते थे। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा अजीब वाक़या रुनुमा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वो वाक़या यूँ हुआ कि एक बार रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी से तंग आकर, अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर उसने खुदकुशी करने का फ़ैसला किया। चुनाचे रॉबर्ट ने
گولیوں سے بھرا ہوا پسٹل اٹھایا اور اپنی کن پٹی پر رکھ کر فائر کر دیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ گولی نہیں چلی۔ چنانچہ رابٹ نے وہ پسٹل نیچے رکھا اور زوردار آواز سے چلاتے ہوئے اس نے کہا کہ رابٹ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی کام کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی رابٹ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں وہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ چنانچہ رابٹ نے کلرکی کی نوکری چھوڑی اور فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہو گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب فرانس اور برطانیہ دونوں ہندوستان پر قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی کشمکش میں برطانیہ اور فرانس کی آپس میں جنگ چھڑ گئی اور رابٹ نے بطور سپاہی کے اس جنگ میں بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ برطانیہ کو فتح ہوئی اور رابٹ کو برطانیہ کی فوج میں کمانڈر ان چیف لگا دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہی رابٹ کہ جو کچھ عرصہ پہلے اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو قتل کرنے پر تل گیا تھا اور خودکشی کرنے پر تیار ہو گیا تھا، آج وہ رابٹ برطانیہ کی تاریخ میں ہندوستان کے فاتحین میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جب ہم شدید خطرات کے اندر پڑنے کے بعد پھر بچ جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو رابٹ کی طرح یہ بات سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یا جو فنکشن اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اس کارخانہ قدرت کے جس پرزے کے طور پر ہمیں بنایا گیا ہے، وہ کام ابھی ہم نے کیا نہیں۔ ناظرین، اگر رات گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پر اگلی صبح طلوع کرتا ہے تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ ابھی آپ کا کام باقی ہے۔ اس حادثات سے بری ہوئی دنیا میں آپ اگر ہر روز بچ جاتے ہیں تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے منصوبے میں جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ لہٰذا اپنی کھوج لگائیے، اپنی تلاش کیجئے، اپنے آپ کو پہچانیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کس کام کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ جس انسان کو جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ کامیابی کی منزلوں کو عبور کرتے ہوئے بہت اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔